भैया कूड़े वाले, ये ले घर का खाना बचा है, तू खा लियो। आंटी जी, ये कूड़ा आप मुझे खाने को क्यों दे रहे हो? कूड़े को कूड़ेदान में डालो ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खाने को कूड़ा बोल रहा है? तो और क्या बोलूं आंटी जी, कूड़ा ही तो है ये। अरे तुझे पता है कितनी महंगी है ये चाउमीन? हैं, कभी खाई है तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे बच्चे ना रोज सुबह शाम इसी को खाते हैं और बहुत स्वाद से खाते हैं, और तू इसे कूड़ा कह रहा है? क्या बात कर रहे हो आंटी जी, आप ये कूड़ा अपने बच्चों को रोज खिलाते हो? हाँ हाँ, ये कूड़ा नहीं खाना है, पागल है क्या? मेरे बच्चे तो रोज सुबह शाम खाते हैं इसे। फिर तो आंटी जी लगता है आपके बच्चे इस दुनिया में जल्दी नहीं रहेंगे। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? कूड़े वाला है, कूड़े वाला बन के रहे, अपने जुबान ज्यादा मत चलाइयो, समझा? तुम गरीबों की ना यही प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें खाने को दो ना तो तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, लेकिन घमंड घमंड तुम्हारा बहुत है, खाने को कूड़ा बोले जा रहा है। चलो ठीक है। अरे आंटी जी, कूड़े को उसकी सही जगह तो डाल दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? है तू बार बार कूड़ा बोले जा रहा है, तू एक बात बता, तू इसे कूड़ा क्यों बोल रहा है? क्या है ना आंटी जी, मेरे भाई की प्राइवेट नौकरी लगी थी शहर से बाहर, तो घर का खाना तो मिलना नहीं था उसे, तो वो रोज दिन में आपके ये मोमोज चाउमीन ये सब खाता था वो, जिसकी वजह से उसको कैंसर हो गया। और वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, इसलिए मेरे और मेरे घर वालों के लिए ना ये सारा खाना कूड़े से कम नहीं है। अब बच्चों को तो खाली खाने में स्वाद ही दिखता है, उन्हें तो नहीं समझ में आता ना कि ये खाना उनके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन आप तो माँ हो, आप तो उन्हें समझा सकती हो, बता सकती हो, उन्हें इस जहर से बचा सकती हो। भगवान ना करे आंटी जी, जो हमारे परिवार के साथ हुआ वो किसी के परिवार के साथ हो, इसलिए आंटी जी जितना जल्दी हो सके इस जहर से अपने बच्चों को बचाइए, वरना ये जहर सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा, जैसे हमारा परिवार हो गया मेरे भाई के बिना। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को ये सब खिलाकर बीमार कर रही थी, आज के बाद ना मैं भी अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी। और तू सच कह रहा है, आज से मैं अपने बच्चों को ना अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी, उनको छूने तक नहीं दूंगी, और इसकी सही जगह ये डस्टबिन है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कह दिया, पर तूने तो मेरी आंखें खोल दी, और ना मैं सच में अपने बच्चों को ना आज से ये जहर नहीं खिलाऊंगी, शुक्रिया। और हाँ आंटी जी, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं दूसरों के बच्चों को भी समझाना, अपने रिश्तेदारों दोस्तों अपने समाज में सबको ये बताना, ताकि हर कोई इस जहर से बच सके और घर का ही खाना खाए और सब स्वस्थ रहे। सही कहा, मैं जरूर समझाऊंगी। और आप लोग भी समझ जाइए, इस कूड़े से जितना हो सके उतना दूर रहिए, स्वाद के लिए तो आप लोग भी ये सब खाना खाते होंगे, लेकिन आज आपको स्वाद मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको सिर्फ बीमारियां मिलेंगी, जो बीमारियां आज आप लोगों के अंदर पनप रही हैं ना, वो कल बहुत बुरी तरह से बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ रहें और घर का ही खाना खाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाएँ, ताकि ये संदेश हर घर में जा सके।